नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन ताज़ा खबरें लेके आए हैं और इनके बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहें आप इस वीडियो का, तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो की जो पहली खबर है वो जुड़ी हुई है MSEP के लिए APAR की बेंचमार्किंग से। तो इसके संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है और इस क्लेरिफिकेशन के अनुसार ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आपको MSEP का लाभ 25 जुलाई 2016 या उसके बाद में दिया जा रहा है तो आपकी APAR बेंचमार्किंग वेरी गुड होनी चाहिए, तभी जाके आपको MSEP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाएगा। यदि 25 जुलाई 2016 के बाद में आपकी APAR ग्रेडिंग वेरी गुड नहीं है तो आपको MSEP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि DOPT की तरफ से भी एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था 28 सितंबर 2016 को और उसको लागू किया गया था 25 जुलाई 2016 से। और उस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार MSEP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देने के लिए APAR का जो गुड बेंचमार्क था उसको गुड से बढ़ाकर वेरी गुड कर दिया गया था। इसलिए अब यदि आपको इस डेट के बाद में MSEP दी जा रही है तो आपका APAR जो बेंचमार्क है वो वेरी गुड होना जरूरी है। और दोस्तों, उसके बाद में जो दूसरी खबर है वो जुड़ी हुई है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए। हमको बताना चाहेंगे कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की तरफ से 2 जनवरी 2019 को जो हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनको एक लेटर लिखा गया है और इसमें उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो लार्जेस्ट स्कीम है उसको बंद कर दिया गया, उसको दोबारा से खोला जाए और जल्दी से जल्दी जो योग्य कैंडिडेट्स हैं उनको इसके तहत नौकरी दे दी जाए, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले इस स्कीम को बंद कर दिया जिसकी वजह से रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार वाले काफ़ी दुखी हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। काफ़ी को तो उनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन रोक लगने की वजह से उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। तो दोबारा से NFIR की तरफ से ये लेटर लिखा गया है और उनसे उन्होंने अनुरोध किया है रेलवे बोर्ड से कि जल्दी से जल्दी इस स्कीम को दोबारा से शुरू किया जाए और योग्य कैंडिडेट को नौकरी दी जाए। और उसके बाद जो तीसरी खबर है दोस्तों वो ये है कि अब यदि आप सरकारी कार्यालय में धूम्रपान करते हैं तो आपके खिलाफ यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और आपसे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। तो इसके संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से सभी जो सेक्रेटरीज हैं सभी सरकारी विभागों के उनको लेटर लिखा गया है और इसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातों का जिक्र किया गया, जिसमें धूम्रपान करने से होने वाली जो बीमारियां हैं, कुछ परेशानियां हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सबका जिक्र यहां पर किया है। और उन्होंने फाइनल यही बताया कि सरकारी कार्यालयों को धूम्रपान निषेध बनाया जाए और वहाँ पर तंबाकू फ्री जोन की जो पॉलिसी है उसको अपनाया जाए और सरकारी कार्यालयों में पूरी तरीके से धूम्रपान को निषेध किया जाए। तो दोस्तों, यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपने कार्यालय में धूम्रपान बिल्कुल नहीं करें। यदि आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपसे जुर्माना अलग से वसूला जाएगा और आपके खिलाफ यहाँ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं तीनों खबरें आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, घर में शेयर करें जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। और सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।